ऑलराइट फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे सब कुछ चीज़ें काम कर रही है और मैंने जो है यहाँ पे अपने एडमिन में सारी की सारी चीज़ें भी ऐड कर दी हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ब्रांड्स में मैंने देखो ब्रांड्स ऐड कर दिए हैं B1, B2, कैटेगरीज में C1, C2, प्रोडक्ट्स में P1, P2। ठीक है, तो ये हैं जो मैंने जो थोड़े थोड़े जो चेंजेस हैं वो मैंने आपको यहाँ पर करके दिखा दिए। तो अगर मैं ब्रांड पर क्लिक करूँ और ब्रांड पर क्लिक करने के बाद ट्राई इट आउट पर क्लिक करूँ, एग्जीक्यूट पर क्लिक करूँ, तो आप लोग देख सकते हैं दो ब्रांड मेरे को दिख रहे हैं। उसके साथ साथ कैटेगरी भी आपकी चल जानी चाहिए जहाँ तक मेरे को लग रहा है। तो कैटेगरी भी देखो दोनों कैटेगरी चल गई हैं, C1, C2, और प्रोडक्ट भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। प्रोडक्ट के साथ भी देखो P1, P2, और ये थोड़ा हमको देखना ज़रूरी है ये वाला, इसमें कोई एरर ना आ रहा हो। कैटेगरी के हिसाब से प्रोडक्ट सर्च करें तो C1 कैटेगरी का प्रोडक्ट आप हमको दिखा दीजिए। एग्जीक्यूट पे क्लिक कर, तो देखो C1 का प्रोडक्ट नहीं दिखाया क्या इसमें? एग्जीक्यूट पे तो क्लिक करूँ पहले, हाँ इसमें दिखा दिया। देखो C1 का प्रोडक्ट ये है, उसने सब कुछ दिखा दिया। तो ये चीज़ ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, जब मैं एडमिन पे ना जब मैं प्रोडक्ट डालने जाता हूँ तो ये सारी चीज़ें मेरे को देखने को मिलती हैं। मैं चाहता हूँ नीचे वो वाला ऑप्शन भी आ जाए, प्रोडक्ट लाइन वाला जो मैंने डिफाइन किया था, जिसमें क्या होता है कि हम लोग प्राइस भी डाल सकते हैं, स्टॉक क्वान्टिटी भी डाल सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें हम लोग डाल सकते हैं। हमको चेंजेस करने हैं एडमिन के साथ, तो इसलिए एडमिन वाली वेबसाइट देखो मैंने खोल ली, जैंगो एडमिन साइट। इसमें हमको सर्च करना है, हमको देखो एक मॉडल के अंदर दूसरा मॉडल दिखाना है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इनलाइन। इनलाइन में सर्च करता हूँ, टेबुलर इनलाइन, मेरा टेबुलर इनलाइन पे मैंने सर्च किया। ये देखो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है बुक इनलाइन, कुछ इस तरह से लिखना है टेबुलर इनलाइन, और यहाँ पे मॉडल डिफाइन कर देना है, और यहाँ पे कुछ इस तरह से डिफाइन कर देना है, बस इतना ही करना है। और ये एडमिन तो ठीक है। देखो इनलाइन का मतलब ये है कि कौन से वाले मॉडल को आपको जो है दिखाना है और किस में दिखाना है, वो यहाँ पे लिखना है आपको इनलाइन। और इनलाइन में कुछ इस तरह से हम लोग दिखा देंगे। और कुछ है इसमें? और कुछ तो मेरे को नहीं दिख रहा है यहाँ पे कि मेरे को कुछ करना चाहिए। तो मैं चलता हूँ अपने एडमिन में। ये रहा मेरा एडमिन। एडमिन में देखो सब कुछ है मेरे पास। अब मैं एक बार प्रोडक्ट इनलाइन को भी ले लेता हूँ। प्रोडक्ट लाइन को ले लिया। प्रोडक्ट लाइन को मेरे को किसके अंदर दिखाना है? मेरे को प्रोडक्ट के अंदर दिखाना है। तो प्रोडक्ट एडमिन बनाता हूँ पहले, और ये होगा मेरा एडमिन डॉट मॉडल एडमिन। और यहाँ पे मैं इन लाइन्स को डिफाइन करूँगा। इन लाइन्स इज इक्वल टू एक लिस्ट बनाऊँगा, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन में लिखा था वही कर रहा हूँ, है ना। इन लाइन बनाऊँगा और एक बुक इन लाइन, यानी कि ये वाला क्लास जो है मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। तो प्रोडक्ट इन लाइन एडमिन, मान लो ये मैंने एक क्लास बना दी, और इसकी क्लास मैं यहाँ बना देता हूँ क्लास प्रोडक्ट इन लाइन एडमिन, और एडमिन डॉट टेबुलर इन लाइन, क्या हो गया टेबुलर इन लाइन, और मॉडल इज इक्वल टू प्रोडक्ट लाइन। तो इतना मैंने कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ये देखो, यानी कि बुक नाम का जो मॉडल होगा वो ऑथर वाले के नीचे दिखाई देगा हमारी, बस वही है। तो प्रोडक्ट लाइन का जो मॉडल होगा वो प्रोडक्ट मॉडल के अंदर दिखाई देगा, मैं ये बोल रहा हूँ। प्रोडक्ट लाइन का मॉडल प्रोडक्ट के अंदर दिखाई देगा, और हमने प्रोडक्ट को रजिस्टर कर भी रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे मैं चल के देखता हूँ कि क्या मेरे को देखने को मिला। रीलोड करता हूँ, वेट करता हूँ, देखो कुछ नहीं आया अभी। कुछ क्यों नहीं आया देख लेते हैं एक बार, क्यों नहीं आया है कुछ भी। तो शायद से मेरे को एक डेकोरेटर भी लगाना पड़ता है, जिसका बोलते हैं रजिस्टर, क्योंकि जब भी क्लास बनाते हैं तो रजिस्टर हमको अपने हिसाब से अलग से करना पड़ता है इनलाइन में। तो एक बार देख लेते हैं फिर भी, मॉडल एडमिन, हाँ ये मैं बोल रहा हूँ, कुछ इस तरह से हमको करना ज़रूरी है। और नीचे वाले को हटा देंगे, इस प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन में यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ मैं लिख देता हूँ, और ये मेरा रजिस्टर जो हो रहा है वो प्रोडक्ट हो रहा है, एडमिन डॉट रजिस्टर प्रोडक्ट, और कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो ये लिख रखा है इसमें, देर इज ऑल्सो डेकोरेटर फॉर रजिस्टरिंग योर मॉडल एडमिन। मॉडल एडमिन के लिए डेकोरेटर का ही इस्तेमाल करना है, वो बोल रहा है। इफ़ गिवन वन और मोर मॉडल क्लास रजिस्टर विद मॉडल एडमिन, तो आप जो है इस तरीके से कर सकते हो, अगर मल्टीपल चीज़ों को आपको जो है रजिस्टर करना है। तो कुछ इस तरह से मैं फिर से रीलोड करूँगा और थोड़ा सा वेट करूँगा, और शायद ऑथर इज़ नॉट डिफाइन, अरे ऑथर तो मैंने हटा दिया ना। रीलोड करता हूँ फिर से, रीलोडिंग, और रीलोड तो हो रहा है,
यहाँ चलते हैं अब। ये देखो प्राइस भी आ रहा है डालने के लिए, स्टॉक क्वांटिटी SKU इज एक्टिव, और इसको मैं हटा भी सकता हूँ। फिर प्राइस, फिर सब कुछ आ रहा है, प्रोडक्ट लाइन को ऐड करना है तो ऐड अ प्रोडक्ट लाइन, ऐड अनदर प्रोडक्ट लाइन ऐड होती जा रही है। यानी कि कोई एक प्रोडक्ट बनाओगे, कोई एक भी प्रोडक्ट बनाओगे तो उसकी जो है प्रोडक्ट लाइन आपको यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे देगी। तो इस चीज़ का मतलब है कि आपने क्या यूज़ किया, टेबुलर इनलाइन का इस्तेमाल किया। तो नोट्स डॉट txt में चलते हैं, और टू अगर आपको हिंदी में लिखते हैं, अगर आपको एक मॉडल के अंदर दूसरा मॉडल दिखाना है इन जेंगो एडमिन, यूज टेबुलर इनलाइन। ठीक है, टेबुलर इनलाइन का इस्तेमाल करें। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई है। तो आसान सी चीज़ थी, इस वीडियो के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।